प्लास्टिक के पाइप का टुकड़ा और कोई भी थर्माकोल की सीट पड़ी हो तो उसको फेंके मत। पुराने जूते पड़े हैं तो उनका भी इस्तेमाल गार्डन में कर सकते हैं, और फ्री का डब्बा है तो इसको कैसे यूज करना है देख। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, पाइप का यूज करने से पहले कल वाले क्वेश्चन का जो सबसे फास्टली जवाब दिया है ये है विद्या जी, उसके बाद रेखा शर्मा ने राइट आंसर दिया है, फिर नरेंद्र कौर जी ने, और उसके बाद शशि शर्मा जी ने, और उसके बाद ये मीनू सिवाज जी हैं। तो रोड साइड से मैं कैक्टस का प्लांट लेके आई थी। सबसे पहला जो जुगाड़ है ये है प्लास्टिक के पाइप का। तो प्लास्टिक पाइप पड़ा है आपके पास तो उसको आप ऐसा कट कर ले हाफ, या फिर कोई भी ऐसे राउंड शेप में कोई भी छोटा पाइप हो उसको एक साइड से आप कट कर ले, दो या तीन इंच का स्पेस लेकर, और ऐसे छेद बना ले। देखिए साइड में मैंने छेद बनाए हैं और नीचे भी। अब मैंने एक वायर लिया है, ये जो वायर है ये थोड़ा सा मजबूत वाला है, अगर आपके पास वायर नहीं है तो आप मजबूत वाली रस्सी भी ले सकते हैं। और देखिए मैंने ऐसे छेद बनाए हैं, एक इधर और एक इधर, दोनों ही साइड छेद बना के, और इस छेद से ये वायर निकाल के मैं इसको अच्छे से मजबूत से ऐसे बांध दूंगी। तो देखिए ये जो साइड में पाइप के साइड में जो जगह है ये खाली है, तो इसका जुगाड़ भी हम करेंगे। इसको बंद करेंगे किस चीज़ से करेंगे वो देखना, हम इसमें प्लांट लगाएंगे। देखिए ये जो प्लांटर हमारा बनेगा बहुत ही प्यारा बनेगा, हैंगिंग प्लांटर बनेगा, और इसको मैं दीवार पर ही हैंग करूँगी। कैसे हैंग करूँगी और इसमें कौन सा हम पौधा लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, और आपको फ्लावर की संख्या भी दिखाऊंगी और इसमें फूल भी आएंगे। तो देखिए इसी वीडियो में मैं आपको फूल भी दिखाऊंगी, लगा के भी दिखाऊंगी, और ये जुगाड़ भी दिखाऊंगी। तो ये अपना पहला जुगाड़ है। देखिए मैंने ऐसे दोनों छेद में से ही वायर निकाल के और बीच में मैंने अच्छे से इसको ऐसे बांध दिया, लपेट के तार को एक दूसरे से अच्छे से टाइट कर दिया तो ये निकलेगा नहीं, और इसको हम हैंग करेंगे। देखिए इसकी जो लंबाई है ये काफ़ी बड़ी है। अब देखिए ये जो थर्माकोल की सीट है इसका आप इस्तेमाल अलग अलग तरह से कर सकते हैं। एक तो अगर आपके पास ऐसे थर्माकोल की सीट हैं तो उनको आप गमलों के नीचे रख सकते हैं, इसमें छेद करके ऐसे गमलों के नीचे रख देंगे तो आपका स्टैंड बन जाएगा। और जो मैं कर रही हूँ वो आप देखना फ्रेंड्स, इसको मेरे को कट करना है और ऐसे राउंड शेप में हाफ बनाना है। देखिए ऐसे कट कर रही हूँ मैं, और ऐसे कट करने के बाद देखिए इसको हमें यहाँ पे इस पाइप के अंदर डालना है। और ये जो थर्माकोल की सीट है ये ख़राब नहीं होती हैं, ये आपके गार्डन से एक दो साल में ऐसे चल जाती हैं ऐसे अगर आप बनाते हैं तो, क्योंकि ख़राब होती ही नहीं है ये। और इसको हम ऐसे लगाएंगे तो ये जो हमारा इसका साइड का मुंह है या छेद है ये अच्छे से बंद हो जाएगा, और इससे मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी ना ही पानी निकलेगा। तो देखिए ये ऊपर से मैंने थोड़ा कट कर दिया, ये जो प्लास्टिक का पाइप है इसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही। आपके पास अगर ये जो फूड कंटेनर होते हैं छोटे छोटे जिसमें खाना पैक होके आता है वो भी इसमें सेट कर सकते हैं, लेकिन थर्माकोल की सीट है अगर आपके पास कोई भी तो उसको कट करके ऐसे लगाएं। एक पाइप है तो पाइप के दो टुकड़े करें और दो टुकड़ों में आप ऐसे सेट करके और उनको हैंगिंग प्लांटर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसको देखिए तार के अंदर के साइड से मैं इसको लगा रही हूँ ताकि ये बाहर निकले ना, अच्छे से सेट हो जाए। तो दोनों साइड मैंने सेट कर लिया है, तो ये हमारा प्लांटर हो गया है तैयार। अब इसमें हम पौधा लगाएंगे। सबसे पहले मैंने मिट्टी भरी है। अब मिट्टी की बात करूँ, मिट्टी आपके एरिया में जो मिलती है उसको लें। अगर आपके एरिया में चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें थोड़ी सी रेती मिला लें और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। बाकी अगर आप कोकोपीट मिलाना चाहते हैं तो अभी मेरे हिसाब से मत मिलाएं मिट्टी तैयार करें तो, क्योंकि कोकोपीट ज़्यादा पानी को सोख लेता है और प्लांट्स की रूट्स को गला देता है। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने मिट्टी भर ली है, मिट्टी भरने के बाद हम इसमें पौधा लगाएंगे और कटिंग वाला ही लगाएंगे जो एक पत्ते से ग्रो होता है। ये है मोश रोज, इसको 9 o'clock भी बोलते हैं, और ये जो प्लांट है ये सुबह मॉर्निंग में 9 बजे फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है, और 2 बजे के बाद इसके जो फ्लावर हैं वो मुरझाने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है ये एक पत्ते से भी ग्रो हो सकता है, और इसमें अभी बहुत सारे फ्लावर आते रहते हैं क्योंकि ये गर्मियों का राजा है, इसको गर्मियों का रोज़ भी बोलते हैं। और ये जो प्लांट है ये कटिंग से आपको कहीं पे भी मिल सकता है, इसमें अलग अलग कलर आते हैं, येलो आता है, वाइट आता है, पिंक आता है, रेड आता है, बहुत सारे कलर आते हैं। तो इसकी कटिंग मैं इसमें लगा देती हूँ, और देखिए फ्रेंड्स कटिंग लगाने के बाद मैंने इसको हैंग कैसे किया है आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मेरी है एक दीवार, और दीवार के ऊपर मैंने ये ड्रिल करके ये कीले लगवाई हुई थी, पहले जो मैंने पर्दा लगाया था गर्मियों में उसके लिए कीले लगवाई थी, और एक साइड का वायर उस
कील पे लगा दिया और दूसरी साइड का दूसरी कील पे। तो ऐसे मैंने हैंग कर दिया है। थोड़ा थोड़ा मैं पानी डाल दे रही हूँ। देखिए पानी डालने के बाद आपको मॉर्निंग का इसका व्यू भी दिखाऊंगी। और अभी हम दूसरा DIY का जुगाड़ करेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लास्टिक बोतल के हैं, ये छतरी प्लांटर बनाए थे मैंने, और ये पर्पल हट लगा हुआ है टूटी हुई छलनी में, जो आटा वाली छलनी होती है। तो ऐसे हैंग कर सकते हैं। अब दूसरा जो है जुगाड़ अपना है जूतों का। देखिए ये जो जूते हैं, ये मैंने पहले यूज किए हैं। इनमें मैंने बास्केट प्लांट लगाया था, जो चेन प्लांट बोलते हैं वो वाला लगाया था, वो मैंने निकाल दिया है। अब हम इसमें दूसरा प्लांट लगाएंगे, और इसको मैंने पहले DIY किया था। देखिए अगर आपके पास पुराने जूते हैं तो उनको भी आप हैंग कर सकते हैं, उनमें भी पौधा लग जाता है। और देखिए ये गार्डन में इतने पौधे नहीं दिखते हैं, इनमें पौधा लगने के बाद हमारा जो जूता है वो दिखता भी नहीं है। और सभी गार्डनर ऐसी चीज़ों का यूज करते हैं, जो कबाड़ से जुगाड़ करके गार्डनिंग करते हैं। और इसमें मैं पर्पल हार्ट ही लगा रही हूँ, क्योंकि पर्पल हार्ट इतनी फास्टली बढ़ रहा है कि हर गमले में मेरे को पर्पल हार्ट ही नज़र आता है। तो पर्पल हार्ट मैं एक बोतल से कट करके ले आई हूँ और इसको इसमें मैंने लगा दिया। और देखिए इसमें तो हमने पर्पल हार्ट लगाया है, और ये वाला है इसमें भी मिट्टी भर के मैं पर्पल हार्ट ही लगाऊंगी और इनको हैंग करूंगी। कहाँ पे हैंग करूंगी आप देखना। इसमें एक बार जो पिछले साल मैंने बनाया था उसमें मैंने टर्टल वाइन लगाई थी, और ये वाले जो जूते हैं इसमें मैंने चेन प्लांट लगाया था। तो अभी देखिए इसी में से कट करके मैं इसमें लगा रही हूँ। तो ये फास्टली बढ़ता है और फ्लावर वाला प्लांट है। इसके फ्लावर भी दिखाऊंगी मैं आपको, तो इसी वीडियो में मैं इसके फ्लावर भी दिखाऊंगी। और वो जो अपना मोश रोज वाला दिखाया था उसके भी फ्लावर दिखाने वाले हूँ। तो देखिए ऐसे मिट्टी भर दी तो दोनों मेरे प्लांटर तैयार हो गए। ऐसे आपके पास भी कोई ऐसे जूते सैंडल चप्पल पड़े हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये वाले हैं, इनका कैसे यूज करना है बताती हूँ। पहले आप ये देखो, इसको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है। देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और ये है, ये एक बाल्टी का कुंदा है और इसी में मैंने ये हैंग किया है। बीच में मैंने एक प्लास्टिक की बोतल हैंग की है। अब ये वाले जो जूते हैं ये काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं, टूट चुके हैं, लेकिन इनके जो ये लेसेस हैं इनको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये हमारे हैंगिंग के काम आएंगे कोई भी बोटल्स वगैरह को हैंग करने के लिए। और इन जूतों को मैं फेंक दूंगी। और तीसरा जुगाड़ देखिए, ये जो बोतल है ये 5 लीटर की बोतल थी, और इसका इस्तेमाल हम दोबारा से करेंगे, क्योंकि ये जो बोतल है इसमें पहले मैंने प्लांट लगाया था और वो गर्मियों में ख़राब हो गया फ्रेंड्स, ज़्यादा तेज़ धूप से। और इसको मैं ऊपर ऊपर से कट कर रही हूँ। देखिए अगर आपके पास 5 लीटर की बोतल है तो उसको आप सिंपल कट करके पौधे लगा सकते हैं। ये वाली जो बोतल है इसमें छेद भी नहीं है फ्रेंड्स, देखिए मैंने चेक किया तो इसमें छेद भी मैंने कर दिया, सीजर की हेल्प से मैंने 2 छेद देखिए ऐसे कर दिए। तो ये जो है हमारा फ्री का प्लांटर्स बन जाएगा, और इसमें मैं पौधा लगाऊंगी वो भी आप देखना। इसकी जो मिट्टी है उसमें मिट्टी में ज़्यादा पानी डल रखा है क्योंकि बारिश आई थी, और अब इस मिट्टी को मैं निकाल के अच्छे से इसकी गुड़ाई सी कर लूँगी, अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी दूसरी मिट्टी के साथ। अब इस मिट्टी को भरेंगे। देखिए कोई भी गमले में अगर सख्त मिट्टी हो रखी हो, ऐसे गमला भरा हो, तो उस गमले की मिट्टी पहले बाहर निकाले, उसको अच्छे से मिक्स करें, फिर ही पौधा लगाए। ये है चेन प्लांट यानी बास्केट प्लांट, इसको ही मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। इसमें 3 टहनियाँ निकली हुई हैं, यानी 3 अलग से हमारे प्लांट और बनेंगे। और ये भी देखो एक छोटे से पॉट में लगा हुआ था, और इसको भी मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। ये अच्छे से लग जाएगा, कटिंग से लग जाता है आराम से, और हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो आराम से लग जाता है। अब इसके अंदर एक प्लांट और लगाऊंगी, छोटा सा ही जेड प्लांट है मेरे पास, वो लगा दूंगी। तो इस डब्बे के अंदर मेरे 3 प्लांट आराम से चल जाएंगे। तो अगर आपके पास भी ऐसे प्लास्टिक की बोतल डब्बे पड़े हैं तो ख़राब होने के बाद उसको फेंके मत, उसको दोबारा से थोड़ा सा कट करें। अगर मैं इसको दोबारा से वाइट पेंट कर दूँ और इस पर फेस बना दूँ तो ये और भी क्यूट सा नज़र आएगा। लेकिन फ्रेंड्स अभी अंधेरा हो चुका है और मेरे को ये दोनों बास्केट प्लांट लगाने थे, तो मेरे को यही जुगाड़ दिखा, ये बोतल वाला ये ऐसे ही पड़ा हुआ था एक कोने में, तो इसको मैंने दोबारा से रीयूज कर लिया और हमारा फ्री का प्लांटर भी बन गया और ये मेरे प्लांट्स भी बन गए। अब आज का क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, जो जूतों का प्लांटर मैंने बनाया है उसमें पहले मैंने कौन सा प्लांट लगाया हुआ था, वहीं आपको कमेंट करके बताना है। आपका कमेंट शेयर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये अपना नेक्स्ट डे का वीडियो है, देखिए कितने प्यारे इसमें फ्लावर आए हैं। तो मोस्ट रोज को आप ऐसे पाइप में लगाएं, और पाइप का इस्तेमाल आप ऐसे प्लांटर के रूप में कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, दीवार पर ऐसे हैंग कर सकते हैं।
और जूतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जूतों वाले में भी फ्लावर आ चुके हैं, ये पर्पल हार्ट में ऐसे छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। तो ये जो छोटे छोटे बेकार के कबाड़ के जुगाड़ हैं वो आप भी कर सकते हैं, पुराने चीज़ों का भी रीयूज कर सकते हैं। ख़राब हो जाते हैं, हमने एक बार यूज कर लिया लेकिन उसको फेंके मत, उसको दोबारा से रीयूज करें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।